आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें एमएसपी पे लागू की जा सकती हैं। 23 की 23 फसलें एमएसपी पे सरकार उठा सकती है। सरकार 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठा सकती है। सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। ये कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। भाई साहब, 17 लाख करोड़ रुपए किसान फ्री में नहीं मांग रहा। बदले में किसान आपको फसल देगा, बदले में किसान आपको गेहूं देगा, बदले में किसान आपको धान देगा, बदले में किसान आपको मक्की देगा, बदले में किसान आपको बाजरा देगा, बदले में किसान। केंद्र सरकार फसल के बदले में एमएसपी के ऊपर किसान को 17 लाख करोड़ रुपए देगी और सरकार के पास 17 लाख करोड़ की फसल आएगी। सरकार उस 17 लाख करोड़ की फसल को मार्केट में बेचेगी तो बेच के पैसा तो आएगा सरकार के पास। वो जो पैसा आएगा, हो सकता है एक साल में, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 18 लाख करोड़ भी आ जाए, 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए। किसी साल में हो सकता है थोड़ा घाटा भी हो जाए, 17 लाख करोड़ रुपए के 16 लाख करोड़ आ जाए। किसी साल में 17 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ भी आ जाए। किसी साल में घाटा होगा, किसी साल में मुनाफा होगा, सारा 10-15 साल में बराबर हो जाएगा। कोई घाटा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, 10-15 साल में सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो 1-1.5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हो भी गया, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के परिवारों को खुश रखने के लिए, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की खुशहाली के लिए अगर 1-1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए तो सरकार कोई गरीब नहीं हो रही उससे। तो एक काम है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? इस तरह की वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।